वीडियो शुरू करने से पहले लेटेस्ट WWE की न्यूज एंड रूमर्स के लिए आप विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट wrestleguru.com को। और अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो आप हमारा एंड्रॉइड मोबाइल ऐप जो वो डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर ऑफिशियली अवेलेबल है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। रेसलमेनिया सीजन तो हमेशा ही ग्रेट रहता है, बट रेसलमेनिया सीजन के बाद भी कुछ होता है, द रो आफ्टर रेसलमेनिया। और आपको पता होगा वो सबसे बड़ी होती है और साल की सबसे ज्यादा रेटिंग दूसरे नंबर पर आती है रो आफ्टर रेसलमेनिया पर, बिकॉज काफी कुछ देखने को मिलता है हमें वहां पे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या सरप्राइज है इस बार की रो आफ्टर रेसलमेनिया के बारे में, तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन। चलिए वीडियो में चलते हैं। अभी भी रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि WWE के पास दो बड़े प्लान्स हैं रेसलमेनिया के अगले वाली रो के बारे में, और वो काफी ज्यादा बड़े होने वाले हैं, ऐसा कहना है PW Insider का। और उन्होंने इसी चीज के साथ साथ एक और चीज मेंशन की कि जल्दी WWE एक नए टाइटल डिजाइन लाने वाली है, जो कि मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी किया था। यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल का नया डिजाइन आने वाला है, उसी के साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का तो कन्फर्म नहीं, बट लगता है इस बार रो के बाद रेसलमेनिया का वो टाइटल डिजाइन आ जाएगा। हालांकि वो डिजाइन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बैरन कॉर्बिन जल्दी उसे एक जगह पर यूज भी करने वाले हैं, बट लगता नहीं कि WWE जल्द उसे स्मैकडाउन लाइव पर अनवील करने वाली है जब तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल का डिजाइन नहीं बन जाता। इसी वजह से WWE इसे होल्ड अप करेगी रेसलमेनिया की बाद वाली रो के लिए, बिकॉज वहां पर सिर्फ WWE कर रही है कि रेटिंग आए, लोग नए टाइटल देखने के लिए आए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले फोटोज खींचने के लिए आए। पर अगर हम बात करें दूसरे सरप्राइज की, तो वहां पर हो सकता है चैंपियनशिप मैच, ऐसा कहना है वंस अगेन PW Insider का। उन्होंने कहा इस बार फिर WWE कुछ बड़ा प्लान कर रही है, और उसी बड़ी प्लान के चलते चलते लगता है कि रेसलमेनिया के बाद एक रीमैच हो सकता है, और ये रीमैच इस तरह का टीज हो रहा है कि जॉन सिना का जो भी होगा, जॉन सिना WWE चैंपियनशिप जीतने वाले हैं और जॉन सिना आ सकते हैं रो पर, और रो पर वो टाइटल डिफेंड करेंगे, बिकॉज जॉन सिना के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहां पर लगातार लड़े, और जॉन सिना लगता भी नहीं है कि बिल्कुल एक लाइक पार्ट टाइमर रेस्टर बनना चाहते हैं। तो इसी के चलते चलते लगता है कि अगली रो पर ही जॉन सिना रेसलमेनिया के बाद वाली रो पर ही चैंपियनशिप हार जाने वाले हैं, जो कि एक बहुत बुरी खबर है सभी फैंस के लिए, बट ये भी रूमर्स है, बट ये कंफर्म है कि दो सरप्राइज हैं WWE के लिए रेसलमेनिया के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं हरमन।